शॉटगन बनाई है नहीं बनाया, बचा शॉटगन ही बनाते हैं गाइस। सबसे पहले शॉटगन बनाने के लिए कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे मतलब नीचे जाना है और वहाँ पे शॉटगन जा कार अपन कार एस्केप करते हैं, वहाँ पे एक शॉटगन का मतलब पूरा स्ट्रक्चर रहता है पहले से बना हुआ। यहाँ पे एक एक पीस रखने हैं आपको। तो गाइस मैंने एक पीस रख दिया है पीछे का। अरे गाइस वेपन की मिल चुकी है गाइस, अभी अपने को शॉटगन की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वेपन की सबसे बेस्ट है गाइस इस गेम में। वेपन की मिल गई, समझो गेम कंप्लीट हो चुकी है गाइस। बिकॉज वेपन की से अपन ग्रैनी को भी मार सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर भी गिरा सकते हैं और वहाँ पे फ्रीज वाला वाटरमेलन रहता है, वहाँ पे भी उस रूम में भी जा सकते हैं अपन। तो गाइस चलो मैं सबसे पहले वेपन की का यूज़ करके क्रॉसबो ले लेता हूँ और ट्रैंकुलर मतलब इंजेक्शन जैसा कुछ तो रहता है भाई, उससे अपन ग्रैंडी को मार सकते हैं। तो गाइस चलो मैं फटाफट से ये ले लेता हूँ भाई अपना क्रॉसबो, और ये ले लिया क्रॉसबो और इसका नाम क्या है भाई, ट्रैंकुलाइजर डार्ट। चलो भाई इसको भी ले लिया हूँ। तो गाइस अपने को सिर्फ ग्रैंडी का वेट करना है अभी तक। यहाँ पे जब ग्रैनी आएगी उसको सीधा मैं बुम बम दे दूंगा इंजेक्शन और वो भाई बेहोश हो जाएगी 2 मिनट के लिए। तो गाइस चलो भाई ग्रैनी को ढूंढते हैं अभी। कहाँ पे ग्रैनी, कहाँ है ग्रैनी, वेयर आर यू? चलो भाई ग्रैनी किधर है, आई थिंक ग्रैनी नीचे हो रही। तो गाइस मैं निशान लगा रहा हूँ और ये देखो मेरा निशाना डायरेक्ट ग्रैनी के हाथ पे। गाइस देख सकते हैं गाइस मेरा निशाना कितना परफेक्ट है। ग्रैनी साइड हो जा, साइड हो जा ग्रैनी, मुझे इंजेक्शन लेने दे मेरा। चलो गाइस वापस ले लेता हूँ मैं इंजेक्शन और ये मैं लगा देता हूँ स्क्रू ड्राइवर पे। चलो गाइस स्क्रू ड्राइवर भी मिल चुका है, अपन स्क्रू ड्राइवर से देखते हैं भाई क्या अपने को क्या सामान मिल सकता है गाइस। और अपन अभी नीचे भी जाएंगे गाइस, नीचे मतलब स्पाइडर की का भी यूज़ दिखाऊंगा आपको, ठीक है गाइस? तो टेंशन मत लियो, स्पाइडर की का भी यूज़ दिखा दूंगा, ठीक है? आई होप सो गाइस इसमें मेरे को अच्छा सामान मिले। वाह गाइस पैडलॉक की मिल चुकी है गाइस, पैडलॉक की से अपन गाइस डोर को ओपन कर सकते हैं। तो चलो गाइस मैं डोर ओपन करके दिखाता हूँ, डोर का मतलब लॉक ओपन कर सकते हैं। ये रहा लॉक और ये हो चुका है ओपन, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस अपन शॉटगन भी बनाते हैं गाइस, टेंशन मतलब शॉटगन भी रेडी करते हैं ताकि अपन ग्रैनी को शॉटगन से मारें, बिकॉज शॉटगन का मज़ा ही अलग है गाइस। शॉटगन में मारने में जो मज़ा है वो बाकी किसी और चीज़ में नहीं है। तो गाइस चेन कटर भी मिल चुका है, चेन कटर का भी यूज़ बताता हूँ गाइस आपको। चेन कटर क्यों यूज़ होता है गाइस आपको पता ही होगा, चेन कटर से आपको मतलब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वायर्स को मतलब तोड़ना है। इसे ये तोड़ दिया मैंने एक वायर और यहाँ पे एक ऊपर का वायर रहता है ताकि ये डिजिटल लॉक भी टूट जाए। ये तोड़ दिया डिजिटल लॉक, लेट्स गो। और ये फोटो मिल गया और एक। तो गाइस अपन फोटो बनाए या नहीं बताओ, फोटो भी बनाते हैं गाइस, फोटो भी बनाते हैं लोगों को। ये भी एक फ़ोटो रख दिया हूँ, अब स्क्रू ड्राइवर को ऊपर रख के आता हूँ गाइस। और गाइस शॉटगन भी रेडी हो चुकी है, शॉटगन का सिर्फ एक ही पार्ट चाहिए अभी। स्क्रू ड्राइवर को अभी ऊपर रख के आता हूँ गाइस, आपको पता ही होगा भाई स्क्रू ड्राइवर को कहाँ पे, स्क्रू ड्राइवर का स्पाइडर की के इसमें भी यूज़ है, मतलब स्पाइडर के यहाँ पे यूज़ भी है भाई। तो गाइस अभी मेरे को अभी शॉटगन बनानी है, तो शॉटगन का बीच वाला पार्ट चाहिए, वो मेटल का बना होता है गाइस, आपको भी पता होगा भाई मेटल का पार्ट ये रहा गाइस, पार्ट ऑफ शॉटगन उठा लिया मैं अभी इसको भाई, मैं रख देता हूँ शॉटगन से। अभी शॉटगन से ग्रैनी को मारेंगे गाइस अपन, ठीक है? तो गाइस शॉटगन रेडी हो चुके हैं आई थिंक अपनी, हाँ हो चुके हैं गाइस। तो गाइस ग्रैनी का इंतज़ार करते हैं, मैं ग्रैनी को क्लोजअप में नहीं बुलाऊंगा, वहाँ पे ऊपर ही मारूंगा गाइस, ग्रैनी का खात्मा ऊपर ही करते हैं। तो गाइस ग्रैनी मतलब खात्मा तो नहीं होगा उसका, टेम्प्रेरी होस्ट है ना गाइस, इसलिए वो परमानेंट कभी नहीं मरते, घोस्ट कभी परमानेंट मरते नहीं है गाइस, वो टेम्प्रेरी मरते हैं। तो गाइस चलो भाई ग्रैनी को मार देते हैं, ये रही अपनी शॉटगन और ग्रैनी को ढूंढते हैं अभी। तो गाइस ग्रैनी किधर है अभी मेरे को पता नहीं है, लेट्स गो। मैं ग्रैनी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से शॉटगन मतलब ग्रैनी शॉटगन का साउंड सुन के यहाँ पे आ जाएगी, देखते गाइस ग्रैनी आ रही है कि नहीं। मैंने वापस से शॉटगन फेंक दी भाई, लेट्स गो ग्रैनी आती है क्या नहीं देखते गाइस, लेट्स गो लेट्स गो, आ जा ग्रैनी आ जा। तो गाइस ग्रैनी आ चुके हैं, मैं अच्छे से इसको निशाना लेके और ये दे दिया मैंने इसको फटाक से हेडशॉट। तो गाइस मेरे एक एमओ भी कम हो चुके हैं, तो गाइस एमओ लोड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने एमओ लोड कर दी है, तो गाइस अभी मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे अभी वो नोटबुक लेके आनी है
और वो नोटबुक मुझे ऊपर रखना है, और इन दोनों का भी यूज़ पता ही होगा गाइस तुमको। चलो गाइस वो नोटबुक उठा लेता हूँ मैं, जो नोटबुक मैंने देखी थी यहाँ पे, नहीं सॉरी गाइस मैं गलती से यहाँ पे आ गया, मैंने नोटबुक नीचे देखी थी, दिखाता हूँ गाइस आपको, और वो नोटबुक का यूज़ भी बता देता हूँ गाइस। कहाँ पे गई भाई बुक, यहाँ पे ही देखी थी मैंने कहाँ पे, वो सॉरी गाइस वो नोटबुक यहाँ पे नहीं है, मैंने वो नोटबुक ऊपर ही देखी थी, अभी मेरे को याद आया। तो गाइस प्ले हाउस की भी मिल चुकी है मेरे को, अभी एक ही कॉगविल चाहिए, तो गाइस एक और कॉगविल लाते हैं बाद में। चलो अभी लाते हैं गाइस कॉगविल और कॉगविल एंड रिमोट कंट्रोल दोनों का भी लाते हैं। और आपको रिमोट कंट्रोल का यूज़ भी पता होगा गाइस, रिमोट कंट्रोल से आप उनको डोर खोल सकते हैं, और वो डोर खोलने के बाद आपको एक स्प्रे मिलता है और कुछ भी एक आइटम मिलता है। तो गाइस कॉगविल को भी ऊपर रख देते हैं अपन वहाँ पे डोर के पास, अपन जैसे आए थे, तो लेट्स गो गाइस कॉगविल को भी अपन वहाँ पे रख देते हैं एंड रिमोट कंट्रोल को ला के वो डोर ओपन करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस रिमोट कंट्रोल